4 महीने हो गए, 4 सेटअप टूर वीडियो क्यों नहीं आ रही? How's it going? My name is Asnan Tariq and finally welcome to my room/setup tour. अब यार मुझे पता है कि आप इस रूम टूर का इंतजार काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस रूम में पहले कुछ था ही नहीं और ये पहले मेरा बेडरूम भी होता था तो मैं यहाँ पे सोता भी था, तो इतनी स्पेस ही नहीं थी कि मैं रूम टूर बना सकूं। लेकिन आज फाइनली यहाँ पे ये वीडियो बनने वाली है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज करता हूँ, मेरा कैमरा कौन सा है, मेरी लाइट्स कौन सी है, मैं वीडियोज कैसे बनाता हूँ, ये सारे सवाल आज इस वीडियो में आंसर कर दिए जाएंगे। So without wasting any further time, let's jump right into the video. But before we start, here's a quick word from our sponsors. तो यार दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आउटगेमर्स, जो कि एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। इस ऐप के थ्रू आप पूरे पाकिस्तान के ट्रस्टेड सेलर्स से पीसी कंपोनेंट्स या फिर पीसी पेरिफेरल्स को परचेस कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली इनका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो जाएगा, जहां पे आप डायरेक्टली इन्हीं से ही पीसी परचेस कर सकेंगे। लेकिन अगर आप तब तक का वेट नहीं करना चाहते तो आप इनको इनके इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफी अच्छी तरह गाइड भी कर देंगे। मोर ओवर ये कम्युनिटी टूर्नामेंट्स भी करते रहते हैं, लाइक अभी इनका एक PUBG का टूर्नामेंट आने वाला है जिसका प्राइस पूल अप टू 300K PKR है। Apart from that, ये अपनी एप्लीकेशन के थ्रू डेली, वीकली और मंथली गिवअवेज भी करते रहते हैं। तो अगर इतना कुछ एक ही एप्लीकेशन से मिल रहा हो, so why wait? This application is available on iOS and Android और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो do check them out. By the way, dedication, मेरी बर्थडे में वीडियो बना रहे हैं, ये हालात हैं। All right, so now let's start our room tour. तो यार वो हम शुरू करेंगे मेरे रूम की सबसे अनइंटरेस्टिंग साइड से। यहाँ पे इस दरवाजे की जो आप बिगड़ी हुई हालत देख रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इस पूरे रूम का जो पेंट है वो मैंने खुद अपने हाथों से किया था। बेसिकली जिन प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर मैंने इन दीवारों पे पेंट कराया था वो पूरे रूम का बेड़ा गर्क करके चले गए थे। तो फिर यहाँ पे एक एक जो पेंट हर चीज़ पे हुआ है वो मैंने किया है और नज़र भी आ रहा है। एनीवेज, अब आते हैं हमारी अलमारियों की तरफ। अ लॉट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई आपकी अलमारियों में क्या होता है, हमने देखना है अंदर तक, हमें जरा दिखाएं क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। आई डोंट नो वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन खैर आइए। अच्छा, तो सबसे पहले यार आती है ये वाली अलमारी। अब इस अलमारी के अंदर हमने यहाँ पे लटकाई हुई है मेसी की अर्जेंटीना अवे वाली किट। और ये वर्ल्ड कप मुझे आज भी याद है यार, अर्जेंटीना हार गई थी, बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था, लेकिन खैर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो RGB लाइट्स पड़ी हुई हैं ये यूजुअली पड़ी नहीं होती हैं, मैंने सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं ताकि नज़र आ सके कि अंदर चीज़ें क्या हैं। सो एनीवेज यार यहाँ पे सारे मेरे कपड़े पड़े होते हैं और ये इसी तरह ही तय लगा के रखे होते हैं, मैंने कोई स्पेशल इसकी ना सेटिंग नहीं की, ये ऐसा ही होता है क्योंकि मैं यहाँ से कुछ निकाल के पहनता नहीं हूँ, तो मेरे वो कपड़े मेनली यहाँ पे होते हैं। और ये मैंने अभी रिसेंटली यार थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हुए थे कि यार वेट गेन करते हुए मसल बनाते हैं, तो पता नहीं इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन खैर। एनीवेज, बाकी जो ये वाला एरिया है यार, यहाँ पे मेरे पुराने जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ या फिर वैसे ही जो मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, बेसिकली थिंग्स वर्थ कीपिंग, मेमोरीज या सोवेनियर्स वगैरह, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो बॉक्स है, ये मुझे मेरे 1K स्पेशल के ऊपर जो रेड बुल ने बॉक्स भेजा था, ये वो वाला बॉक्स है, मैंने आज तक इसको रखा हुआ है। बोतलें हम पी गए थे लेकिन बॉक्स में नहीं पे रखा हुआ है। और उसी तरह से मेरी फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप कलरफुल की तरफ से आई थी, तो ये एनवेलप मैंने उनका यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे और बड़ी चीज़ें हैं, तो देयर इज़ दैट। बाकी ये जो दराजे हैं, दीज आर स्पॉन्सर्ड बाय रेजर NXPC। बेसिकली यार यहाँ पे गन लगा हुआ था तो उसको छुपाने के लिए मैंने ये स्टिकर्स लगा दिए हैं, साइंस। खैर, इन दराजों में यार इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी हार्ड ड्राइव्स जमा करके रखी हुई हैं और ये हार्ड ड्राइव्स मेरे बचपन से 2002, 2003 से जो मेरे घर में कंप्यूटर है उन सारों की हार्ड ड्राइव आज तक यहाँ पे पड़ी हुई है और मैं इनको फेंकता नहीं हूँ। और उसकी बड़ी एक फ़नी स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको फेंक दूंगा या इनको मैं बेच दूंगा या किसी को दे दूंगा तो दे माइट रिकवर दी ओल्ड डेटा, जो मैं कभी खुद भी नहीं देखना चाहता, तो इसलिए मैं इनको रखता हूँ कि मैं कभी दूंगा नहीं, शायद जला के कभी फेंक दूँ लेकिन किसी को दूंगा नहीं। बाकी जो ये वाली दराज है, इसके अंदर आपके भाई की चड्डी बनियाने पड़ी होती हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट तो फिर आप मुझे मेरे ओनली फैंस के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं अलमारी नंबर 2 के ऊपर। अब मेरे पूरे रूम के अंदर सबसे जो कीमती जगह है ना, वो ये अलमारी है। अगर आपको कभी भी मेरे घर में डाका मारना है, खुदा ना खास्ता, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर तमाम वो प्रोजेक्ट्स की फाइलें, तमाम फाइलें कह रहा हूँ, तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी स्पॉन्सर्ड होता है, RTX 3060, 3080, सारी चीज़ें वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये चीज़ें मेरी यहाँ पे पड़ी होती हैं और यहाँ पे बड़ा यार बड़ा सामान है, ये सारी चीज़ें मैं और आई थिंक यूज़ कर चुका हूँ। RGB लाइट्स मैंने दोबारा निकाल के रख दी थी क्योंकि यू नो बत्तियाँ हैं इसमें। और ये मेरा पुराना BM800 माइक्रोफोन है जिससे मैं वीडियोस बनाता था, ये आज तक चलता है, लेकिन हमारे पास अच्छी चीज़ आ गई तो हमें इसकी कदर नहीं है तो इसको हमने यहाँ पे फेंका हुआ है। और दूसरा यार डोंट जज मी ऑन दिस, ये मेरे बचपन की कंबल है, ठीक है, और ये मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है, पता नहीं क्यों। जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना तो मैं उसको भी यही कंबल दूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सेंटिमेंटल हूँ बल्कि इसलिए कि जो पैसे बचेंगे उसका मैं पीसी के कंपोनेंट्स लूँगा। खैर इसको साइड पे कर देते हैं। अब फाइनली आती है हमारी लास्ट अलमारी, और यार इस अलमारी पे ना प्लीज़ मुझे अगेन जज नहीं करना, लेकिन मेरे कमरे का जो भी गंद कूड़ा कबाड़ होता है वो मैं सारा कुछ उठा के इसमें फेंक देता हूँ क्योंकि साफ़ करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही होती। तो बेहोल्ड इस अलमारी में बेसिकली यार जो भी चीज़ें, पता सीन क्या होता है, मुझे कोई भी चीज़ जो लगता है ना कि यार शायद कभी फ्यूचर में काम आ जाए वो मैं संभाल के रख देता हूँ, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू एवरीथिंग। तो ये चार्ट पेपर है, मुझे नहीं पता ये कब के पड़े में है, लेकिन मैंने रखे हुए कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ जाती है बाय द वे। फॉर एग्जांपल अब ये कनेक्टर है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सी और चीज़ें हैं, और इसके ऊपर डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, हम यूट्यूब से इतने पैसे भी नहीं कमाते, ये फेक करेंसी है, मैंने एक वीडियो के लिए यूज़ की थी, वो वीडियो सैडली कभी पब्लिश नहीं, बट एनीवेज देयर इज़ दैट। और उफ यार ये भाई साहब ए लेवल्स के अंदर ना मुझे शौक चढ़ा था कि यार बॉक्सिंग करते हैं, थोड़ी सेहत बनाएंगे, यू नो अल्टीमेट फाइटर बनेंगे। पहले ही राउंड में मैं ऐसी स्पारिंग में चपेड़ें पड़ी थी ना, मुझे दोबारा कभी इसको हाथ नहीं लगाया मैंने। और बाकी यहाँ पे सारे टूल्स वगैरह, पाइपें, तारें, मेरे घर में जब भी कोई काम होता है ना तो ये कहते हैं कि यार वो ऊपर जाओ प्लम्बर की अलमारी से चीज़ें लेके आओ, तो यहाँ पे वो सारा सामान होता है। खैर नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ इस चेयर की। वैसे तो इस चेयर की इस पूरे रूम में कोई जगह बनती नहीं है, इसको मैं बाद में अपने बेडरूम में रखूँगा, लेकिन आई थॉट कि मुझे ये आपको अपने सेटअप टूर में दिखानी चाहिए। तो ये चेयर मुझे भेजी थी रिबेल पाकिस्तान ने, और यार ये चेयर वैसे तो कंफर्टेबल है और अपनी प्राइस के अंदर आई थिंक सबसे सस्ती यही चेयर है। इसके अंदर आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं लाइक फुट रेस्ट, उसके अलावा इसके अंदर रिक्लाइनर भी है जिसमें मेरी इतने जान नहीं है कि मैं इसको पीछे कर सकूं, बट आराम से हो जाती है। तो खैर हाँ, इस चेयर के बहुत से एडवांटेजेस हैं, प्राइस, कंफर्ट वगैरह सब कुछ, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे कमाल लगी है ना भाई साहब वो ये है कि वेट फॉर इट, इस चेयर की ये वाला जो कुशन है ना यार, इसके साथ आपको मिलता है एक कनेक्टर, और इसके साथ जब आप इसका प्लग लगाते हैं ना तो ये सर एक वाइब्रेटर टाइप की चीज़ बन जाती है, एंड यू कैन लाइक गेट मसाजेस एंड स्टफ। तो जब मैं लॉन्ग डे एडिटिंग वगैरह का करके थक जाता हूँ ना, चुप करके आके इसके ऊपर ऐसे आके आराम से मैं बैठता हूँ, एंड ओह कमाल सीन्स हो जाते हैं इधर। ऑल राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वॉल। तो यार यहाँ पे पड़ी हुई है एक सेकेंडरी टेबल, और इस टेबल का सीन ये है कि पहले जब मैं वीडियोस बनाया करता था तो मेरे पास एक ही वो ब्राउन टेबल होती थी, इफ यू रिमेंबर दैट, और उसके ऊपर मेरा सारा कंप्यूटर पड़ा था, मेरी स्क्रीन, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ उसी पे एक ही टेबल पे था। और जब मुझे बीरोज लेने होते थे तो मैं सारा सामान उठा के पहले ज़मीन पे रखता था, फिर बीरोज लेता था और फिर सारा सामान उठाकर वापस टेबल पे रखता था। और गलती से भी अगर कभी मुझे बी रोल का रीटेक करना पड़ जाए या फिर कोई एक और शॉट लेनी पड़ जाए तो मुझे फिर से नीचे रख के ऊपर करना पड़ेगा, एंड दैट वाज अ ह्यूज मेस। तो फिर मैंने सोचा था कि जब कभी भी ज़िंदगी में एक प्रॉपर स्पेस बनाऊंगा फॉर वीडियोग्राफी तो एक डेडिकेटेड टेबल रखूंगा जिसके ऊपर मैं सिर्फ बी रोल्स बनाया करूँ। सो दिस टेबल इज़ फॉर दैट। बाकी यहाँ पे एक गेम ओवर का लैंप पड़ा हुआ है जो कि मैंने माशाल्लाह से ख़राब कर दिया हुआ है, इसकी RGBs नहीं चलती हैं अब सैडली। और फिर आता है हमारा कैमरा बैग जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो लेट मी शो यू कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्विक लुक आपको यहाँ पे कैमरे में नज़र आ गई होगी, लेकिन फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट माई सेकेंड कैमरा। तो यार ये है Panasonic Lumix GH4, जिस कैमरे से मैंने अपना चैनल शुरू किया था। वो जो पुरानी वीडियोज़ आप देख के इस चैनल के ऊपर आए हो वो सारी इस कैमरे से बनी थी। एंड नो आई डू नॉट ओन दिस कैमरा, ये मेरे भाई के भी आगे से, दोस्त की भी आगे से बीवी का कैमरा है और उनसे मैंने ये बोरो किया था। एंड शी सेड कि हाँ ठीक है, आपने वीडियोस बनानी होती है, यू कैन कीप इट। तो वो जो लोग पूछते हैं ना कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा थी, आपने इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट लेके आए थे तो वीडियोस तो अच्छी बननी थी, कोई सीन नहीं था। हाफ ऑफ माई स्टफ वॉज रेंटेड और बोरोड एंड वट नॉट। तो ये कैमरा मैं आज भी यूज़ करता हूँ फॉर सेकेंडरी फोटेजेस वगैरह। बाकी उसके बाद फिर इसमें कुछ बेसिक स्टफ़ हैं लाइक ये सोनी के कैमरे का एक किट लेंस है, फिर ये पैनासोनिक का ये एक और किट लेंस है। बाकी मेरे पास ये RGB लाइट्स हैं, Ulanzi VL49 RGB एडिशन, और ये कम्प्लीटली RGB हैं जो अलमारी में मैंने रखी हुई थी। तो ये दो लाइट्स हैं मेरे पास, इनको भी मैं अक्सर यूज़ करता हूँ फॉर प्रैक्टिकल्स या फिर अक्सर हेयर लाइट वगैरह के लिए। और फिर फाइनली जो हमारा मेन प्राइमरी कैमरा है वो है सोनी A6400। पूरी एक साल की मेहनत के बाद, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएशंस और YouTube का पैसा कमाने के बाद मैंने इस कैमरे को परचेस किया था और अब मेरी सारी वीडियोस इसी पे ही बनती हैं। और बाकी बात कर लेते हैं मेरे रिमेनिंग वीडियो इक्विपमेंट गियर की। तो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइपॉड्स हैं। जब मुझे वीडियोस बनानी होती हैं तो वो इन दो ट्राइपॉड्स के ऊपर बन रही होती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एक है गोडॉक्स का 80 सेंटीमीटर ऑक्टा बॉक्स विद ग्रिड, और ये ऐसे ये यूँ मेरे मुंह के पास होता है जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। और इस ह्यूज चीज़ को मैं प्लेस करता हूँ अपनी मेन प्राइमरी की लाइट के ऊपर, एंड लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। तो यार ये है मेरी मेन प्राइमरी की लाइट। दिस इज़ दी गोडॉक्स SL100W एंड आई एम इन लव विद दिस। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैंने ये कैमरा गियर और सब कुछ परचेस किया था ना, और मैं इन सारे सामान को घर लेके आया, इतने ज़्यादा पैसे खर्च के आया, इस कैमरे को मैंने अनबॉक्स किया और मेरी शक्ल पे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। आई वॉज हैप्पी, लेकिन वो ना एक फीलिंग आती ना कि ओह ये मैंने क्या नई चीज़ ले ली है, वो नहीं थी मेरे मुंह पे। क्योंकि उसका शायद रीज़न ये था कि मैं इस कैमरे को बड़े अरसे से यूज़ करता आ रहा था, दोस्तों से बोरो वगैरह करके। लेकिन जब मैंने ये चीज़ अनबॉक्स की ना, तो ये दोस्त मेरा मेरे सामने बैठा था और ये गवाह है कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी। दिस लाइट इज़ अ बीस्ट, और मेरी सारी वीडियोज़ के अंदर मैं अब आके इसको एज अ मेन की लाइट यूज़ करता हूँ। खैर एनीवेज, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द सेकंड थिंग ऑन दिस टेबल। दिस राइट हेयर इज़ माई सेकेंडरी गेमिंग पीसी, और ये वही NZXT वाला गेमिंग पीसी है जिसके ऊपर मैंने एक ASMR वाली वीडियो बनाई थी। आई होप आपने अभी तक वो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप आई कार्ड पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दिस इज़ दी NZXT H510 Elite, जिसके अंदर लगा हुआ है NZXT का B550 वाइट मदरबोर्ड, साथ RTX 3070 Zotac वाइट एडिशन, Ryzen 7 5800X, और बाकी सारे जो स्पेक्स वगैरह हैं वो आप उस डिटेल्ड वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई लव दिस। लेकिन ये भी मेरा प्राइमरी पीसी नहीं है, सो उसके लिए आते हैं अब हमारे मेन डेस्क की तरफ। तो यहाँ पे भाईजान सबसे पहले आती है मेरी फर्स्ट प्लेयर DK2 गेमिंग चेयर। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो कम्प्लीटली बना चुका हूँ, और ये मेरे पूरे सेटअप की वाइट लुक्स के साथ काफ़ी अच्छी जाती है, एंड इट इज़ कम्फर्टेबल बाय द वे। तो इसको फिलहाल के लिए लेकिन हम साइड पर धक्का मार देते हैं और आते हैं हमारे मेन डेस्क की तरफ। ओके, सो अब आते हैं सबसे पहले हमारे मेन हेडसेट की तरफ। तो यार ये है Corsair HS70 Pro वायरलेस हेडसेट्स, और इनको मैं मेनली यूज़ करता हूँ मूवीज़ देखने के लिए या गेमिंग करने के लिए। और यार टू बी ऑनेस्ट, मैं वायरलेस हेडसेट इसलिए लेना चाह रहा था ताकि अगर आप कभी कोई गाने वगैरह सुन रहे हो और आपको उठ के इधर उधर घूमना है तो उस चीज़ में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। या फिर मैं यूजुअली हॉरर गेम्स बहुत खेलता हूँ, और जब वो एकदम से जंप स्केयर आता है ना तो तार साथ नहीं आपको खींचती। तो आई थिंक इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज़ वन ऑफ दी वायरलेस बेस्ट हेडसेट दैट यू कैन गेट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा यार ये एक फ़ोन होल्डर है जो फर्स्ट प्लेयर की एक ऐसे ही मर्च में मुझे मिल गया था। यहाँ पे हम इस तरह से अपने फ़ोन को खड़ा कर देते हैं, और हाँ बस इसका टोटल यही काम है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइमरी कीबोर्ड। तो यार दिस इज़ दी ग्लोरियस GMMK TKL वाइट कीबोर्ड विद ब्राउन स्विचेस, गेट्रॉन ब्राउन स्विचेस, और कमाल चीज़ है। मतलब इसकी फील, इसकी आवाज़ें, आई मीन बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास एक PS4 का वायरलेस कंट्रोलर, और ये बेसिकली जब कोई मुझे सिंगल प्लेयर गेम खेलनी होती है लाइक RDR2 वगैरह, तो ये मैं उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ये यहीं पे ऐसे पड़ा होता है। उसके बाद आते हैं हमारे वायरलेस माउस की तरफ। तो ये है Razer Viper Ultimate वायरलेस विद द चार्जिंग डॉक, और काफ़ी लाइट वेट माउस है, काफ़ी ड्यूरेबल माउस है। इसके अंदर किसी भी किस्म का लैग नहीं आता अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ। दिस इज़ लाइक अ रियली गुड थिंग, और इसकी जो वाइट और ग्रे लुक्स हैं वो मेरे सेटअप के साथ काफ़ी प्यारे तरीके से मैच होती हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे इसकी सबसे कमाल बात लगती है वो है इसका वायरलेस चार्जिंग डॉक। आई मीन पूरे टेबल के ऊपर जो एक वायरलेस वाइब्स जा रही है ना, उसको ये बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। और जब मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, आई कैन सिंपली जस्ट प्लेस इट राइट देयर ऑन द वायरलेस डॉक, और कमाल खूबसूरत लगता है। फिर आते हैं हमारी इन दो मॉनिटर्स के ऊपर। तो यार ये है MSI MEG X510 Rx 1080p 240Hz गेमिंग मॉनिटर। मुझे टू बी ऑनेस्ट 240Hz की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक कंपेरेटिव प्लेयर नहीं हूँ, सो आई माइट चेंज दिस विद अ हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन। लेकिन अभी के लिए मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियो एडिट्स और कलर ग्रेडिंग वगैरह के लिए इसको। हाँ बाय द वे, कलर ग्रेडिंग के लिए मैंने कैलिब्रेट किया हुआ है मैकबुक 20 के साथ, तो इसीलिए मेरे कलर्स थोड़े से अच्छे लगते हैं। योर वर्ड्स नॉट माइन। उसके बाद फिर ये जो सेकंड स्क्रीन है दिस इज दी यार, ये एक बड़ी बेसिक लाइक ऑफिस मॉनिटर है, HP Elite Display E221i, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये मैं इसी दोस्त के साथ 70 पे जाके लेकर आया था, आई थिंक 2017 में, जब मैंने अपना सबसे पहला गेमिंग पीसी बनाया था। तो ये तब से आज तक चलती आ रही है। और हाँ, एक बड़ी जो अच्छी चीज़ है इस पूरे सेटअप के अंदर वो है ये मॉनिटर आर्म। इस पूरे टेबल की जो मिनिमल लुक है ना, और जो केबल मैनेजमेंट जा रही है इतनी कमाल किस्म की कि कोई भी तार नज़र नहीं आ रही, उस सारी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस मॉनिटर आर्म ने, जो कि मैंने परचेस किया था buyerspk.com से। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिल रही थी और सिर्फ उसी एक वेबसाइट से मिली थी। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। और इसी मॉनिटर आर्म के ऊपर प्लेस किया हुआ है मैंने एक माइक्रोफोन आर्म, जिसके लिए आप लोग भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इसके बारे में जितनी रिक्वेस्ट आई हैं, आई थिंक पूरे सेटअप में और किसी चीज़ की भी इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं आई। तो ये है मेरा माइक्रोफोन, जिसके ऊपर रखा हुआ है मैंने एक हेडसेट। ये इसी कंपनी का हेडसेट है, लेकिन मुझे इसका मॉडल नहीं याद, मैं इसकी लाइक डिस्क्रिप्शन में या कोई यहाँ पे लिख दूंगा। और इसको मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो साउंड प्रोफाइल है वो काफ़ी न्यूट्रल है, ना ज़्यादा बेस है ना ज़्यादा ट्रेबल्स हैं, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपको अपने वोकल्स को एडिट करना होता है। सो आई यूज़ दिस फॉर वीडियो एडिटिंग। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा मेन माइक्रोफोन। तो यार ये है मेओनो PM422 USC माइक्रोफोन, जो कि आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नहीं मिलेगा, आपको ये अली एक्सप्रेस या कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा। मुझे खुद भी ये कंपनी ने डायरेक्टली भेजा था टू मेक द रिव्यू, जो कि मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन माइक मैंने रख लिया है फुल अयाशी से। माइक को मैं रख लिया और मैं यूज़ करता हूँ, और इसकी क्वालिटी आपने सुनी हुई है, आपको पता है कि दिस साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं फाइनली हमारे मेन प्राइमरी पीसी के बारे में, जिसको यूज़ करके मैं अपनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी सारी गेम्स वगैरह खेलता हूँ। तो यार सबसे पहले तो ये केसिंग है फर्स्ट प्लेयर की SP8 केसिंग, और इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा लियानली O11D टाइप की हैं, पर वो एक एक्सपेंसिव केसिंग है, मैं वो नहीं ले सकता था, उसकी जगह मैंने ये ले ली है। एंड द बिल्ड क्वालिटी एंड एयर फ्लो इज़ प्रिटी डिसेंट फॉर द प्राइस, सो आई लव इट। और इस पीसी के बाकी स्पेक्स के अंदर है MSI का MEG X570 Unify मदरबोर्ड, उसके साथ Ryzen 7 5800X, 32GB की रैम है, RTX 3070 Ti है। उसके अलावा यहाँ पे है ये बैटमैन, देख के तो स्पाइडरमैन जड़ा हुआ है। तो ये यार एक बैटमैन है, जो कि मुझे गिफ्ट दिया था RB Tech एंड Games ने, और ये बेचारा ब्रूस वेन, बड़ी ही इसकी नाजुक सूरत हाल है, इसको हल्की सी टक्कर यार ये नहीं गिरता जब इसको गिराना होता है, एनीवेज पर ये ऐसे ना गिर जाता होता है। तो मैं फिर इसको यहाँ पे, यहाँ तो लिटा के रखता हूँ, यहाँ फिर ऐसे बस कभी वीडियोस के लिए खड़ा कर लेता हूँ, दैट्स इट। सारे इंसान। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट और फाइनल दीवार के ऊपर। इस दीवार को सेट करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मेरी हर वीडियो के बैकग्राउंड में ये दीवार आनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक ये स्टैंडिंग लैंप है, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। और ये फिर कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जो भी मैं प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, या जो भी कोई स्पॉन्सर चीज़ें आती हैं वो सारी मैं इकट्ठी करके यहाँ पे रख देता हूँ जब तक उनकी वीडियो बन रही होती है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे आती हैं ये लाइफ एक्स बीम्स, ये मैंने परचेज़ की थी GM मॉड से, और ये ओरिजिनल लाइफ एक्स बीम्स नहीं है, लेकिन ये उनका पाकिस्तानी वर्जन है, और काफ़ी अच्छी हैं। दे आर वाइब्रेंट, दे आर वेरी ब्राइट, इनको आप वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हो। और एज अ वीडियोग्राफर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये है कि ये लाइट्स कैमरा के अंदर फ्लिकर नहीं करती, तो दैट्स समथिंग प्रीटी डिसेंट अबाउट दिस। फिर यहाँ पे कुछ फ्रेम्स वगैरह हैं, ये वैलोरेंट के पोस्टर्स हैं, जो कि मैंने अपने छोटे भाई के लिए लगाए, क्योंकि उसको ये गेम बहुत पसंद है। ये जो गेम है ये मेरी फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, ज़िंदगी की सबसे जो ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है, रेनबो सिक्स सीज। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये गेम इतनी पसंद थी भी नहीं, मुझे इस गेम से ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाया था ये कैमरामैन भाई साहब ने, और उस दिन के बाद से लेके 4 साल कहाँ गए मुझे पता भी नहीं चला। तो ये रेनबो सिक्स सीज का लोगो है, ये उस गेम का मेरा फेवरेट ऑपरेटर वैल्क्री। और फिर यहाँ पे आती है एक बड़ी ही खूबसूरत कोटेशन, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। ये मैंने इंटरनेट के ऊपर एक व्लॉगर के टेबल पे पड़ी हुई देखी थी, और मुझे बड़ा हिट की कि यार, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मुझे परफेक्शनिज्म है कि वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए और ये और वो वट नॉट। इवन ये सेटअप टूर भी आई थिंक 5th टेक है इस सेटअप टूर की है जो भी बन रही है, तो आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे इस कोटेशन से, लेकिन लगी हुई अच्छी लगती है तो हमने बस लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे फिर आता है हमारा एक नियॉन साइन, ये मेरा B का लोगो है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यार रूम में लगाओ अच्छा लगेगा बैकग्राउंड्स के अंदर, तो हमने लगा दिया है और साथ है इसका ये डिमर ताकि मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक लाइट और डिम कर सकूं। फाइनली बात कर लेते हैं इस स्क्रीन की। तो इसका मुझे भी नहीं पता कि भाई ये कौन सी स्क्रीन है। आई थिंक ये कोई पुराना LG का 40 इंच का डिस्प्ले है, पर इसको मैं इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इसका मेन पर्पज़ है या तो दोस्तों के साथ फीफा करना या फिर लेट नाइट कोई नेटफ्लिक्स वगैरह देखना, या फिर जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है मेरी वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी सी लाइफ ऐड करना। अब मैंने बड़े लोगों को देखा है जो अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर एनिमेशंस चलाकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो बजाय के थोड़ा सा बेहतर लगे वो उल्टा और डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती हैं। अगर कोई बाहर बैठकर मेरे से इंस्पिरेशन ले रहा है तो आई वुड वांट कि उनको इन चीज़ों की पीछे की साइंस पता हो ताकि आप इसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सको। तो इस पूरी दीवार के पेंट से लेकर इन RGB लाइट से लेकर हर चीज़ मेरी स्किन कलर, मेरे अटायर और ओवरऑल वीडियो के मूड को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक प्राइमरी बेसिक मकसद है, कलर कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ क्रिएट करना। मैं इन लाइट्स की मदद से अपने आप को बैकग्राउंड से सेपरेट करता हूं और अपनी वीडियो को एक थोड़ी सी डायनामिक रेंज देता हूं ताकि वीडियो सिनेमैटिक लगे या अच्छी लगे। और आई एम स्टिल लर्निंग, हो सकता है कि मैं भी इन चीज़ों को गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ आप भी ये चीज़ें सीखें ताकि ओवरऑल एक कम्युनिटी की क्वालिटी और वीडियोज़ वगैरह इम्प्रूव हो सकें। और आई थिंक दिस इज़ इट। और कोई चीज़ अगर रह गई हो, ओए हाँ दराजें, ये टोपी आई थिंक जो मेरी उमर अकमल वाली वीडियो थी मैंने उसके अंदर ये यूज की थी, ये आज तक पड़ी हुई है। ये मेरी नहीं है, मेरा इनसे कोई काम नहीं है, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें किसकी हैं। ये जो फ़ोन है ये A लेवल्स और O लेवल्स के अंदर जो हम पेपर देने जाते थे और दोस्तों को फ़ोन पे बात करनी होती थी कि हाँ तेरा पेपर ख़त्म हो गया, हाँ मैं बाइक के पास खड़ा हूँ आजा, तो तब मैं ये लेके जा रहा था क्योंकि अगर आप अपना प्रॉपर फ़ोन ले जाओ तो शायद वो कॉन्फिस्केट हो जाता या चोरी भी हो सकता था बाहर से, तो हम फिर ये टेम्प्रेरी फ़ोन्स ले जाते थे। और वो ये सर्टिफिकेट किस चीज़ का है? हसनैन तारिक, क्लास 6A, प्रोफिशेंसी इन स्पोकन इंग्लिश। यार बर्गर कमाल। ऑलराइट, तो इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अब यार मुझे ये सारी चीज़ें दिखाकर आपको डीमोटिवेट करना मकसद नहीं था। इस सारी जर्नी में मेरी फैमिली और फ्रेंड्स का तो पार्ट था ही, लेकिन जो रोल आप लोगों ने प्ले किया है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। यू गाइज हैव लिटरली चेंज्ड माई लाइफ एंड आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। सारी कर देंगे यार। अच्छा, दिस इज इट, ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।